नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। राजस्थान और तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अंतिम चरण में, मतदान शुक्रवार को। उच्चतम न्यायालय का सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित पड़े आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए बिहार और केरल के हर जिले में विशेष न्यायालय खोलने का निर्देश। शीर्ष न्यायालय ने नेशनल हेराल्ड मामले में आयकर विभाग को फिर से आयकर मूल्यांकन करने की अनुमति दी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में कल हुई हिंसा मामले में 4 लोग गिरफ्तार। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज शाम विजयवाड़ा और सिंगापुर के बीच पहली हवाई सेवा की शुरुआत करेंगे। और फुटबॉल में लुका मॉड्रिक को पुरुषों का और अदा हेगरबर्ग को महिलाओं का बलंदोर पुरस्कार। दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। राजस्थान और तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अंतिम चरण में है। कल प्रचार का अंतिम दिन है। दोनों राज्यों में शुक्रवार को मतदान होगा। राजनीतिक दल मतदाताओं को अपने पक्ष में करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सवेरे हनुमानगढ़ में एक रैली में कहा कि करतारपुर साहिब गलियारा खोलने का श्रेय स्वयं उन्हें नहीं बल्कि लोगों को जाता है। उन्होंने कहा कि यदि 2014 में लोगों ने भाजपा को सत्ता में आने के पक्ष में वोट नहीं दिया होता तो करतारपुर साहिब गलियारा नहीं खुल पाता। ये कांग्रेस पार्टी की सोचने की क्षमता का अभाव, संवेदनशीलता का अभाव, सिख परंपरा के करोड़ों लोगों की भावनाओं का उनको अंदाज नहीं था। और दुर्भाग्य से गुरु नानक देव जी के साथ जुड़ा हुआ करतारपुर पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। 70 साल तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही। ये गुरु परंपरा के आशीर्वाद है कि मेरे भाते पवित्र काम आया और करतारपुर कॉरिडोर बनाने का निर्णय कर दिया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि 2009 में कांग्रेस ने वादा किया था कि वे किसानों के 6,00,000 करोड़ रुपए के ऋण को माफ कर देंगे, लेकिन सिर्फ 58,000 करोड़ रुपए का ऋण ही माफ किया गया। भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे राज्य के विभिन्न स्थानों पर प्रचार कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अलवर में एक जनसभा में कहा कि भारतीय जनता पार्टी युवाओं को रोजगार दिलाने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों, कारीगरों और युवाओं के लिए सही तरीके से काम नहीं कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और दिग्विजय सिंह के अलावा कांग्रेस के अन्य नेता भी रैलियां कर रहे हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राज्य के सियासी समीकरणों के लिए 19 विधानसभा सीटों वाला जयपुर जिला सबसे महत्वपूर्ण है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर में सभा कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का कल यहां आने का कार्यक्रम है। इससे पहले ये दोनों शीर्ष नेता यहां जुलाई और अगस्त में सभाएं कर चुके हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस बार कौन सी पार्टी इस जिले से ज्यादा सीटें जीत पाती है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। उधर तेलंगाना में सभी पार्टियों के शीर्ष नेता अपने उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। स्मृति ईरानी और मुख्तार अब्बास नकवी सहित भाजपा के अन्य नेता राज्य में प्रचार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मिलकर प्रचार कर रहे हैं। टीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव कोंडागल सहित विभिन्न स्थानों पर प्रचार कर रहे हैं। इस बीच कोंडांगल में कांग्रेस उम्मीदवारों और कांग्रेस प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी को कथित रूप से लोगों को उकसाने के आरोप में हिरासत में लिया गया था। प्रदेश कांग्रेस ने इस मामले में उच्च न्यायालय में रेड्डी की हिरासत को गैरकानूनी बताया है। जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनावों के 7वें चरण में मतदान शांतिपूर्वक सम्पन्न हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया कि जम्मू क्षेत्र के 6 जिलों के 14 प्रखंडों और कश्मीर घाटी में 9 जिलों के 16 प्रखंडों में मतदान हुआ। जम्मू के 6 जिलों से भारी मतदान के समाचार प्राप्त हो रहे हैं और 12 मई तक 60% से अधिक मतदान हुआ था। सीमावर्ती जिला पुंछ में भारी संख्या में लोग मतदान करने को निकले और 72% से अधिक मतदाताओं ने अपने मत अधिकार का प्रयोग किया। सांबा और राजौरी जिले में 64% मतदान रिकॉर्ड किया गया, जबकि रियासी जिले में 61% और रामबन जिले में 58% पोलिंग 12 मई तक हुई। कश्मीर घाटी में सुबह पोलिंग धीमी रफ्तार से शुरू हुई, मगर दिन चढ़ने के साथ साथ पोलिंग में तेजी आनी शुरू हुई। कुपवाड़ा और गांधरबल जिलों से भारी मतदान के समाचार आ रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से आरके रैना।
राज्य में 9 चरणों में पंचायत चुनाव हो रहे हैं और ये चुनाव पार्टियों के नाम पर नहीं लड़े जा रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए बिहार और केरल के हर जिले में विशेष अदालतें गठित करने का निर्देश दिया है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने पटना और केरल उच्च न्यायालयों में इस महीने की 14 तारीख तक अनुपालन रिपोर्ट मांगी है। शीर्ष न्यायालय ने कहा है कि विशेष अदालतें सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई करते समय आजीवन कारावास के मामलों को प्राथमिकता देंगी। उच्चतम न्यायालय ने आयकर विभाग को नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी को वर्ष 2011-12 वर्ष की आय का फिर से मूल्यांकन करने की अनुमति दे दी है। न्यायालय ने हालांकि उनके खिलाफ मामला विचाराधीन रहने तक आयकर विभाग को अपनी कार्यवाही संबंधी आदेश को लागू करने से रोक दिया है। शीर्ष न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि वो श्री गांधी की याचिकाओं पर गुण दोष के आधार पर अपनी कोई राय व्यक्त नहीं कर रहा है। उन्होंने इस मामले में राहत न देने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है। मामले की अगली सुनवाई 8 जनवरी को होगी। दिल्ली की एक अदालत ने ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के पूर्व नेता टीटीवी दिनाकरन के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र के आरोप तय किए हैं। उन पर पार्टी के दो पत्तियों वाले चुनाव चिन्ह को प्राप्त करने के लिए निर्वाचन आयोग के अधिकारियों को कथित रूप से घूस देने के मामले के आरोप तय किए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले के सियाना इलाके में कल की हिंसा के सिलसिले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस घटना में एक पुलिस इंस्पेक्टर और गांव का एक व्यक्ति मारा गया था। लखनऊ में कानून व्यवस्था के अपर महानिदेशक आनंद कुमार ने बताया, पुलिस ने दर्ज कराया है मुकदमा, वहां के चौकी इंचार्ज ने दर्ज कराया है। इन 27 नामजदगी में अभी तक 4 नामित अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और 4-5 अन्य लोगों को डिटेन किया गया है, जिनसे गहन पूछताछ की जा रही है। फिलहाल मुख्य आरोपी योगेश राज अभी फरार है, उसको पकड़ने के लिए कार्रवाई जारी है। सियाना थाने में 27 लोगों और 50 से 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। खुफिया विभाग के अपर महानिदेशक SV शिरोडकर ने आज सियाना का दौरा किया। इलाके में स्थिति नियंत्रण में है, बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल रात स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने मारे गए इंस्पेक्टर के परिवार को 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने खुफिया विभाग के अपर महानिदेशक को 48 घंटे में अपनी रिपोर्ट देने को कहा है। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हिंसा की घटना की जांच के लिए मेरठ रेंज के महानिरीक्षक की निगरानी में एक विशेष जांच दल का भी गठन किया गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि जांच एजेंसियों को सबसे अधिक कार्यकुशलता बनाए रखनी चाहिए और उन्हें अपराध का पता लगाने के उद्देश्य से ही काम करना चाहिए। आज नई दिल्ली में राजस्व खुफिया निदेशालय के 61वें स्थापना दिवस पर आयोजित सम्मेलन में बोल रहे थे। वित्त मंत्री ने भरोसा जताया कि निदेशालय अपने कार्यकलापों के उच्च स्तर को बनाए रखेगा। अगले वर्ष 1 अप्रैल से GST भरने के और सरल फॉर्म उपलब्ध हो जाएंगे। राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे ने आज नई दिल्ली में यह जानकारी दी। श्री पांडे ने कहा कि कर से आई हुई अधिक धनराशि को लौटाने की प्रक्रिया को पहले से अधिक सुचारू तथा पूरे तौर पर ऑनलाइन और करदाताओं के अनुकूल बनाया जा रहा है। राजस्व सचिव ने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार GST एकत्रित करने के लिए बजट के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1982 बैच के अधिकारी AN झा को वित्त सचिव बनाया गया है। श्री झा ने हसमुख अढ़िया का स्थान लिया है, जो पिछले महीने सेवानिवृत्त हो गए थे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर भी उपलब्ध हैं। उपराष्ट्रपति MVNaidu आज शाम आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से सिंगापुर की सीधी उड़ान सेवा की शुरुआत करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके साथ ही विशाखापत्तनम के बाद विजयवाड़ा हवाई अड्डा राज्य का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन जाएगा।
इंडिगो एयरलाइंस सिंगापुर विजयवाड़ा के बीच हवाई सेवाओं का संचालन करेगी। इससे आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए सिंगापुर और अन्य पूर्वी देशों में जाने का मार्ग खुलेगा। इस अंतर्राष्ट्रीय सेवा से व्यापारियों के साथ साथ पर्यटकों को भी सिंगापुर और अन्य आसपास के क्षेत्रों में जाने का अवसर मिलेगा। इससे विजयवाड़ा का नाम अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन क्षेत्र में बढ़ेगा और रोजगार तथा पर्यटन राजस्व में भी वृद्धि होगी। विजयवाड़ा से जी कोंडला राव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं शशांक कुमार। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय पूर्वोत्तर क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के विकास परियोजनाओं पर काम कर रहा है। इन सभी परियोजनाओं के अगले वित्त वर्ष तक पूरा होने की संभावना है। पूर्वोत्तर मामलों के मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने बताया कि नई परियोजनाओं के लिए पूरी राशि केंद्र देगा। डॉ सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने बताया कि बांस उद्योग को बढ़ावा देने पर भी काम किया जा रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित नीति आयोग मंच की दूसरी बैठक गुवाहाटी में चल रही है। आज नौसेना दिवस है। ये दिन 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान नौसेना की भूमिका के सम्मान में मनाया जाता है। इस युद्ध में भारतीय युद्धपोतों ने कराची बंदरगाह पर हमला कर पश्चिमी तट पर पाकिस्तान की कार्रवाई को निशाना बनाया था। इस अवसर पर नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा, सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ ने आज नई दिल्ली में इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति पर पुष्प चक्र अर्पित किए और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर आकाशवाणी से बातचीत में एडमिरल लांबा ने कहा, आज नेवी दिन के अवसर पर मैं अपने देशवासियों को आश्वासन दिलाता हूं कि नेवी पूरी तरह से सतर्क है और मैरिटाइम सिक्योरिटी अपने महान देश के लिए प्रोवाइड कर रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर सभी नौसैनिकों और उनके परिजनों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री कोविंद ने कहा कि देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा, व्यापार मार्गों की सुरक्षा और मानवीय आपदाओं के समय सहायता उपलब्ध कराने में नौसैनिकों की प्रतिबद्धता पर राष्ट्र को गर्व है। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्र की रक्षा और आपदाओं के समय राहत और बचाव कार्यों में प्रशंसनीय भूमिका के लिए राष्ट्र नौसेना के प्रति कृतज्ञ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेश को बताया है कि प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों वेद शास्त्रों में निहित प्रेरणा से ही उन्हें जलवायु को स्वच्छ बनाए रखने का दृढ़ संकल्प लिया है। श्री एंटोनियो पोलैंड में संयुक्त राष्ट्र COP24 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में पत्रकारों को ये जानकारी दी। श्री एंटोनियो से जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में धर्म की भूमिका पर सवाल पूछा गया था। दोनों नेताओं ने हाल ही में अर्जेंटीना में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान पेरिस जलवायु समझौते और इसके लिए भारत के समर्थन पर विचार विमर्श किया था। श्री एंटोनियो ने पेरिस समझौते पर भारत के योगदान के लिए श्री मोदी को धन्यवाद दिया था। रियल मैड्रिड टीम के क्रोशियाई खिलाड़ी लुका मॉड्रिक को वर्ष 2018 के बलेंदोर पुरस्कार दिया गया। 33 वर्षीय लुका क्रिस्टियानो रोनाल्डो और बार्सिलोना के लियोन मेसी के बाद ये पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। मेसी और रोनाल्डो 5 बार इस खिताब को हासिल कर चुके हैं। मॉड्रिक को इस वर्ष विश्व कप में सर्वाधिक गोल करने के लिए गोल्डन बॉल पुरस्कार भी दिया गया था। पेरिस में कल रात हुए भव्य समारोह में महिला वर्ग में ये पुरस्कार नॉर्वे की अदा हेगरबर्ग को मिला। हॉकी विश्व कप प्रतियोगिता में भुवनेश्वर में आज ग्रुप बी में 2 मुकाबले खेले जाएंगे। शाम 5 बजे पिछले 2 बार के चैंपियन ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला इंग्लैंड से और शाम 7 बजे आयरलैंड का सामना चीन से होगा। भारत शनिवार को तीसरे और अंतिम ग्रुप मैच में कनाडा से खेलेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजस्थान और तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अंतिम चरण में पहुंच गया है। मतदान शुक्रवार को होगा। उच्चतम न्यायालय ने सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित पड़े आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए बिहार और केरल के हर जिले में विशेष न्यायालय खोलने का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने नेशनल हेराल्ड मामले में आयकर विभाग को फिर से आयकर मूल्यांकन करने की अनुमति दे दी है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में कल हुई हिंसा के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज शाम विजयवाड़ा और सिंगापुर के बीच पहली सीधी विमान सेवा की शुरुआत करेंगे और फुटबॉल में लुका मॉड्रिक को पुरुषों का और अदा हेगरबर्ग को महिलाओं का बैलेंडोर पुरस्कार दिया गया है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।